हाय एवरीवन, कार एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बाय नाउ पे लेटर ऐप को डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड पोस्ट पे, जो कि रिसेंटली एक फिनटेक कंपनी कॉल्ड भारत पे ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस नए बाय नाउ पे लेटर ऐप के फीचर्स। सो पोस्ट पे का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद व्हाट्सएप या SMS के थ्रू अपना नंबर वेरीफाई करना है। KYC के लिए आपकी सेल्फी, पैन और आधार डिटेल्स ली जाती है। आपके पैन से आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, उसके बेसिस पे आपका एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट होता है और बहुत बार एप्लीकेशन को वेटलिस्ट भी किया जाता है। क्रेडिट स्कोर के साथ साथ ही कुछ और भी चेक करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अच्छा क्रेडिट स्कोर होते हुए भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब और क्या क्राइटेरिया है ये हमें नहीं पता। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। ये क्रेडिट लिमिट होता है ₹1,000 से ₹10,00,000 के बीच में और आपको एक वीजा का वर्चुअल कार्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मिल जाता है और आप फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 10 से 15 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। अच्छी चीज ये है कि ये कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, यानी कि इस कार्ड पर कोई ज्वाइनिंग या एनुअल फी नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसके थोड़े फीचर्स। इस कार्ड पर आपको 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट मिलता है बिना किसी कोलैटरल के, यानी कि एक अनसिक्योर्ड लोन की तरह मिलता है और इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर यूज कर सकते हैं। और इसका मेन USP ये है कि आप पैसे मर्चेंट्स को पे कर सकते हैं, जो कि UPI एक्सेप्ट करते हैं उनके QR कोड को स्कैन करके। लेकिन रियल लाइफ यूसेज में ऐसे ही मर्चेंट्स को पेमेंट हो पा रही है जो भारत पे UPI यूज कर रहे हैं। इस कार्ड का बिलिंग साइकिल महीने के फर्स्ट को स्टार्ट होता है और खत्म महीने के एंड में होता है, और आपके सारे खर्चों का बिल अगले मंथ के फर्स्ट को जनरेट होता है, जिसे आपको विद इन 5 डेज क्लियर करना होता है। आप इसे या तो पूरा क्लियर कर सकते हैं, यानी तो EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसपे अराउंड 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, और EMI का टेन्योर 3 to 6 months के रेंज में होता है, जो कि काफी कम है बाकी पे लेटर ऐप से, जैसे कि स्लाइस एक्सेट्रा, जिसपे EMI का टेन्योर अप टू अराउंड 18 months का मिलता है। तो अगर आप अपना बिल्स टाइम पर पे नहीं करते तो 0.1% पर डे का लेट फी चार्ज होता है ड्यू अमाउंट के बिल जनरेशन डेट से, और जितने भी दिन लेट हुए उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा लेट पेमेंट चार्जेस के साथ साथ। इसका एक अच्छा फीचर ये है कि आप अपना क्रेडिट लिमिट अपने या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो ये एक आपको अच्छा शॉर्ट टर्म लोन मिल सकता है बिना किसी चार्जेस के, लेकिन बिल जनरेट होने पर आप ड्यू अमाउंट वापस कर दें वरना लेट फी और इंटरेस्ट लगेगा। इसी बात पे चलिए अब पोस्ट पे के रिवॉर्ड्स और कैशबैक की बात करते हैं। इनका कहना ये है कि इस ऐप से आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक मिलते हैं। रिवॉर्ड्स के बारे में इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हर महीने आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स को रेफर करके अप टू 5% कैशबैक पर मंथ अर्न कर सकते हैं, और वो कुछ ऐसे चलता है। सपोजिंग आपके फ्रेंड का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और क्रेडिट लिमिट असाइन हो जाता है जिसको आपने ये ऐप रेफर किया है, तो उस महीने के स्पेंड्स पर, आपके सारे स्पेंड्स पर आपको 1% कैशबैक मिलेगा और उस फ्रेंड को भी 1% कैशबैक मिलेगा। अब सपोजिंग उसी महीने में एक और फ्रेंड जिसको आपने ये ऐप रेफर किया है उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और क्रेडिट लिमिट असाइन हो जाता है, तो उस दिन से जिस दिन आपके दूसरे फ्रेंड का एप्लीकेशन अप्रूव हुआ, आपको 2% कैशबैक मिलेगा आपके सारे स्पेंड्स पर अंटिल एंड ऑफ द मंथ। तो ऐसे ही आपको अप टू 5% कैशबैक मिल सकता है इन अ मंथ, और अगले मंथ के स्टार्ट में ये कैशबैक रीसेट होकर 0 हो जाता है और आप एक मंथ में मैक्सिमम ₹5,000 कैशबैक अर्न कर सकते हैं। ऑल्दो इससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो टोटली उन लोगों के एप्लीकेशन अप्रूवल पे डिपेंड करेगा जिनको आप ये ऐप रेफर करते हैं। तो कंक्लूजन में अगर हम इसको स्लाइस के साथ कंपेयर करेंगे तो स्लाइस पे आपको जनरली अप टू 2% कैशबैक मिलता है और थोड़ी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं काफी ब्रांड्स पर, जबकि पोस्ट पे कैशबैक टोटली रेफरल्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसा भी टोटली पॉसिबल है कि आपको कोई कैशबैक ही ना मिले इनके ट्रांजैक्शंस पर, लेकिन इस पे आपको 5 डेज का विंडो मिलता है पेमेंट करने के लिए, जबकि स्लाइस ऐप पर आपको बस 3 दिन का विंडो मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो रीपेमेंट के लिए ज्यादा टाइम रहना काफी फर्क पड़ता है, जिससे आप लेट पेमेंट फी और इंटरेस्ट चार्जेस बेहतर अवॉइड कर सकते हैं। अगर रीपेमेंट का विंडो कम होता है तो ड्यू डेट का मिस हो जाना काफी ईजी है, एंड सो ये पोस्ट पे का एक अच्छा फीचर है। तो बहुत से बाय नाउ पे लेटर ऐप्स पर EMI का टेन्योर काफी longer है, up to around 18 months or more, plus UniCard के केस में तो 3 months की EMI पर कोई interest भी pay नहीं करना पड़ता, लेकिन PostPay का EMI tenure काफी कम है और उस पे भी interest charge होता है, और full payment पर ऐसे कोई reward या cashback नहीं मिलते जैसे कि UniCard पर मिलता है, which is 1% cashback, तो ये PostPay का एक बड़ा disadvantage हो गया। पर हाँ, एक अच्छा benefit ये है कि आप अपना credit balance bank account में transfer कर सकते हैं, तो अगर आपको emergency में cash की जरूरत पड़ती है तो ये आप ऐसे situations में काम आ सकता है।
सकता है। ऐसे और भी थोड़े तरीके हैं जिससे आप अपना क्रेडिट बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हमने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सो इस पे अगर आप पूरा बिल एक साथ क्लियर कर सकते हैं तो ही इस ऐप को यूज करें, वरना अगर आपको ईएमआई में पेमेंट्स करनी है तो ऐसे बहुत बेहतर बाय नाउ पे लेटर ऐप्स है, जिससे आप जीरो या कम इंटरेस्ट के साथ साथ रिटर्न्स भी पा सकते हैं। एंड दैट एंड्स आवर डिस्कशन ऑन पोस्ट पे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड फॉर लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, रिव्यूज, क्रेडिट कार्ड कंपैरिजंस एंड मच मच मोर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम।